आप अपने लिए बेस्ट क्रिस्टल का चुनाव कैसे करें? अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करें, अपनी कुंडली निकाल के उसके एनालिसिस करें, या अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से करें? देखिए, क्रिस्टल्स का कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। आपकी लाइफ में अगर लव से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंस की आपको प्रॉब्लम आ रही है, करियर में आप ग्रोथ चाहते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तब भी आप इन क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है कि हम क्रिस्टल्स को चूज कैसे करें? देखिए, आप अपनी जनरल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग भी क्रिस्टल चूज कर सकते हैं, आप अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी क्रिस्टल चूज कर सकते हैं, मूलांक के अकॉर्डिंग, या आप अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग क्रिस्टल चूज कर सकते हैं। किन लोगों को मूलांक के अकॉर्डिंग क्रिस्टल चूज करना चाहिए, किन को भाग्यांक के अकॉर्डिंग क्रिस्टल चूज करना चाहिए? यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको मूलांक और भाग्यांक भी निकालना नहीं आता अपनी डेट ऑफ बर्थ से, तो जुड़े रहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन और आपके लिए सर्वोत्तम बेस्ट क्रिस्टल जो आपको लव में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में और आपके हेल्थ इश्यूज में सपोर्ट करें, पूरी डिटेल इस वीडियो के थ्रू आपको देने जा रही हूँ। तो जुड़े रहिए हमारी फैमिली। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हो जाता है, तो आपका मूलांक निकलता है नंबर 3, यानी कि आपको रूल करने वाला प्लेनेट है गुरु ग्रह। आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल बताने से पहले आपके स्वभाव के बारे में कुछ बातें करेंगे। देखिए, आप हैं गुरु, यानी कि दूसरों को गाइड कर सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मुश्किल रास्तों में भी, एक अंधेरे में भी आप उजाले की किरण लेके आ सकते हैं, वो अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। मदद करने के लिए सबसे पहले आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, आपका नेचर फ्लेक्सिबल होता है, सबको लेके चलना चाहते हैं, सबके समर्थन के साथ चलना चाहते हैं, बट झूठ से आपको सख्त नफरत है। आप आदर्श को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जीते हैं, कम्युनिकेशन आपका, और जिनका भी मूलांक दिया भाग्यांक 3 है, उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब आपको कौन सी ऐसी हेल्थ डिजीज आ सकती हैं या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपने ये क्रिस्टल्स पहनने हैं? देखिए, एक तो आपकी प्रॉब्लम्स, दूसरा आपके भाग्योदय, यानी कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाएं, उसके लिए भी आप इन क्रिस्टल्स को धारण कर सकते हैं। कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपको थ्रॉट डिजीज से बचाएंगे, आपको एक्सेसिव फैट से बचाएंगे, आपको रिवर रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाएंगे, यानी कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके स्पीच को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देंगे? वो क्रिस्टल्स हैं हमारे, आपकी स्क्रीन पे हैं एमेथीस्ट, हमारा ऑरेंज कार्निलियन और हमारा कोरल। ये क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट आपको ज़रूर पहनने चाहिए। देखिए, क्रिस्टल्स के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं कोई भी आप पहन सकते हैं ये क्रिस्टल्स। आप पेंडेंट फॉर्म में पहनिए, आप रिंग फॉर्म में पहनिए, या आप ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनिए, आप किसी भी फॉर्म में इन क्रिस्टल्स को पहन सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप उसे पेंडेंट फॉर्म में और आप उसे ब्रेसलेट फॉर्म में ज़्यादा प्रेफर कीजिए। हमने यहाँ पे क्रिस्टल चूज किया अपने मूलांक के अकॉर्डिंग। यदि आपका एज 35 से ज़्यादा है, 35 या 35 से ज़्यादा हो जाता है, तब आप क्रिस्टल को कैसे चूज करेंगे? देखिए, तब आपने क्रिस्टल को चूज करना है अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपकी एज 35 या 35 से ज़्यादा है, तो आपके जीवन में आपके भाग्यांक का असर बहुत ज़्यादा होता है। भाग्यांक कैसे निकालते हैं? आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल कीजिए और उसे सिंगल डिजिट में लेके आइए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इस व्यक्ति का हमने डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया हुआ है, टोटल करने के बाद इसका टोटल आया हुआ है हमारा नंबर 5 पे। तो इस व्यक्ति की एज भी आप जैसे देख रहे हैं कि 35 के अप्रोक्स में है, तो इस व्यक्ति को अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग क्रिस्टल चूज करना चाहिए, तो वो है नंबर 5। तो आप अपने मूलांक के अकॉर्डिंग तब क्रिस्टल चूज कीजिए जब आपकी एज 35 से नीचे है। यदि आपकी एज 35 है, आप रन कर रहे हैं 35 एज में, या 35 से ऊपर की एज में है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तब आपको क्रिस्टल चूज करना है अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग। और हम अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग भी क्रिस्टल चूज कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं कि अगर आपको थायराइड का इशू है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपको जॉब में प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, कुछ भी ऐसी आपकी लाइफ के जो इश्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं।